रायगढ़ में 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, जिसके चलते रविवार के दिन लोग भारी संख्या में अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कुछ दुकानों पर भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, जिसलिए जिले में कुछ दुकानदार आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और लोगों को तय मूल्य से अधिक कीमत पर लोगों को सामान बेच रहे हैं। दुकानदार न सिर्फ ग्राहकों से अधिक दाम वसूल रही है बल्कि धड़ल्ले से जमाखोरी भी चल रही है, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने शहर की दुकानों का जायजा लिया और शिकायत सही पाए जाने पर तमाम दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। कई दुकानों को सील करने के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। इस बीच एक दुकानदार पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन ना किए जाने पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। शहर में निकली टीम में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ खाद्य विभाग और फूड एंड सेफ्टी के कारीगर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 दुकानदारों में दाल के ओवर रेट पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया है। कलेक्टर साहब के निर्देश पे लगातार जो अधिक मूल्य पे सामग्री बेच रहे हैं उनके खिलाफ में आज कार्रवाई की गई है और उसी तारतम्य में आज 4 दुकानों को सील भी किया गया है। हमारे लोगों को भेजा गया था और उनके द्वारा कई प्रकार की खाद्य सामग्रियों को जो मूल्य है उससे बहुत ज़्यादा रेट में दिया जा रहा था तो उन दुकानों को सील किया गया है। इसके अलावा डी मार्ट को वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था, कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी, उसको वहाँ पर 25,000 रुपए की जुर्माना किया गया है। इस प्रकार से आगे और भी कार्रवाई की जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी अवैध जो गलत काम करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ में विधिवत नियम